हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा ओईसी के जो 7 तारीख से 14 तारीख तक रजिस्ट्रेशन है, जो कुरानदाजी के अंदर रजिस्ट्रेशन है, वो बैंक चालान के बाद उसको ऑनलाइन कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो आएँ उनकी वेबसाइट पे चलते हैं और प्रोसीजर समझते हैं। यहाँ आपने क्या करना है कि यहाँ मैंने ये लिंक सेव किया, मैं आपको बता देता हूँ। आप jobs.oec.gov.pk/home आप इस पे भी आ जाएं, या आप डायरेक्ट ओईसी की वेबसाइट पे जाके वहाँ से आप उनके चले जाएं अनाउंसमेंट्स के अंदर, ठीक है। और अनाउंसमेंट्स में जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ ये आ रहा है अप्लाई टू, दरख्वास्त देने का तरीका कार। तो यहाँ से आप इस जगह पे आ जाएंगे। यहाँ आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने जो चालान फॉर्म है वो अपने बैंक में जमा कराना है। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ चालान फॉर्म भी, डॉक्यूमेंट्स में, डाउनलोड्स में, डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास पड़ा हुआ है चालान फॉर्म 2019 का। ये चालान फॉर्म है, ये आपने बैंक में जमा कराना है। तो ये आपको एक कॉपी मिलेगी इसका, आप कोई भी आप स्कैन करा लें या आप उसका मोबाइल से फ़ोटो ले लें, ठीक है। सपोज सफ़ी रहमान, उसके फादर का नाम, ठीक है, उसकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, कोई भी है, ठीक है, मेल है, ठीक है, उसका मोबाइल नंबर, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर, उसका ब्रांच कोड, कोई कौन सी बैंक में उसने जमा कराए हैं, उसके बाद फिर डेट, किस डेट पे उसने बैंक में पैसे डिपॉजिट कराए हैं। और फिर उसके बाद उसकी यहाँ से आपने दे देनी है, मतलब जो आपने उसकी वो ली है, ये चीज़ ये मैं आपको, ये आपने सेलेक्ट करनी है। तो आपने क्या करना है, इसको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो ये देखे, ये कैंडिडेट ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो ये रजिस्टर्ड होया हुआ है तो इसलिए बता रहा है, अदरवाइज यहाँ पे क्या देगा, सबमिट। तो ये है ओईसी का ऑनलाइन कुरानदाजी में रजिस्टर्ड होने का तरीका, कि सबसे पहले आपने चालान फॉर्म करना है और चालान फॉर्म के बाद आपने इस जगह आके ये फॉर्म फिल करना है और सबमिट करना है। तो जैसे ही आपका सबमिट आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपकी एंट्री हो चुकी है। इसकी कुरानदाजी की जो अनाउंसमेंट है वो इसी वेबसाइट पे oec.gov.pk के ऊपर आपको मिलेगी 15 तारीख को, क्योंकि इनके चालान के मुताबिक, इनके अनाउंसमेंट के मुताबिक ये 15 मार्च को, मतलब इसकी कुरानदाजी की अनाउंसमेंट होगी। तो वहाँ यहीं पे आपको नज़र आ जाएगा कि आपका उसमें कुरानदाजी में नाम आया है तो या नहीं आया। तो आपको कोरियन से मुतल्लिक, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग EPS टॉपिक का यानी टेस्ट क्लियर करके जो लोग कोरिया जाना चाहते हैं उनके लिए ये प्रोसेस 2019 का आया हुआ है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।